हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा लेयर मिक्स स्टेप्स हेयर कट दिखाने वाली हूं, और बहुत बहुत सिंपल सा मेथड है। उसके लिए आपको पहले बालों को अच्छे से गीला कर लेना है, वो सारे प्रोसेस मैं कर ली हूं। और उसके बाद हाफ एंड हाफ डिवाइड करना है, फ्रंट से लेके बैक तक आपको स्ट्रेट पार्टिंग करनी है और बालों को सामने की तरफ लेके आना है। ये देखिए, और इनके बालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि थिकनेस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, और साथ ही साथ इनके बाल बहुत बहुत ही रफ़ है। गीले होने पे उतना समझ नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा जब ड्राई हेयर था तो बहुत ही ज़्यादा रफनेस की प्रॉब्लम है। दो मुँह भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इस कटिंग से क्या होगा कि इनका हेयर शॉर्ट भी नहीं होगा और साथ ही साथ बहुत अच्छा लुक भी आ जाएगा, और जितना डैमेज हेयर वो भी कट जाएगा। तो हेयर जो है ज़्यादा थिक नहीं है, इस वजह से पार्टिंग हमेशा कान के सामने से करेंगे, इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं अपना बेस रेडी कर रही हूँ, बेस मतलब हमारा जो गाइडलाइन है वो रेडी कर रही हूँ मैं। तो दोनों तरफ के बालों को एक साथ मिक्स करना है, नीचे की तरफ लाना है, लेंथ आप डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद उसको स्ट्रेट कट कर देंगे। तो ये हमारी जो है गाइडलाइन बन चुकी है, और इसको हम दोनों तरफ के लिए इस तरीके से डिवाइड कर देंगे हाफ एंड हाफ। ये देखिए, बहुत बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और उसके बाद जो पीछे के हेयर हैं इसी गाइडलाइन के हिसाब से हम कट करने वाले हैं। तो फ्रंट से पहले हम स्लाइडली कट करेंगे, जो स्लाइड हेयर कट होता है वो देने वाले हैं। और ये देखिए, सीजर को एक जगह रखना है, सीजर का मुंह आपको बंद नहीं करना है, और नीचे की तरफ बिल्कुल स्लाइड आई थिंक खिसकाते हुए आपको चले जाना है। लास्ट वाली लेयर को भी ऐसे ही कर लेना है। काफ़ी पतला था इस वजह से मैं दो भाग में ही डिवाइड करके इसको कर दी हूँ। सेम वही प्रोसेस इधर भी आपको कर लेना है। और ऐसा जब हम स्लाइडली कट करते हैं ना, तो इससे जो लेंथ होती है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं होती, आप जितना ज़्यादा लॉन्ग चाहें रख सकते हैं। ये देखिए, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ मैं आ रही हूँ। ये हो चुका है फर्स्ट लेयर, लास्ट वाले सेक्शन को भी ऐसे कर लेंगे। पतला है इस वजह से मैं एक बार में ही पूरा कट करूँगी इसको। ये देखिए, और अगर आपको स्लाइडली कट करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये स्लाइड हेयर कट है, फ्रंट से जो स्लाइड लेयर कट करते हैं ना वो है। और उसके बाद में बालों को पीछे की तरफ लेके आएंगे। तो फ्रंट से हो चुका है, और बैक से हम थोड़े से इनके बालों पे स्टेप्स डालेंगे ताकि जो लुक है वो बहुत अच्छा आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना, हाफ बालों को एक साथ में उठाना है। इनका हेयर काफ़ी ज़्यादा फंसने वाला था, और आप देख सकते हैं मैं चौड़ी कॉम यूज़ कर रही हूँ। जब भी इस तरीके से पूरे मतलब ज़्यादा हेयर को उठाना होता है ना, तो मैं हमेशा चौड़ी कॉम ही यूज़ करती हूँ। मैं ये बात हर एक वीडियो में बताती हूँ। तो आप जैसे कंफर्टेबल फील करें आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप पतली कॉम में कर सकते हैं तो आप करें, अदरवाइज़ आप चौड़ी कॉम ही यूज़ करें। उसके बाद इसको कट आपको बराबर ही करना है, यहाँ पे कोई तिरछा कटिंग नहीं देनी, बराबर कट कर देना है, और हल्की सी नोचिंग कर देनी है यहाँ पे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर से स्टेप्स आ गए हैं। और उसके बाद में एक तरीका और है, जो नीचे के बाल बचे हैं उसमें भी स्टेप्स देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सारे बालों को आप एक साथ में उठाएंगे इस तरीके से, एक साथ में आपको उठा लेना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। अच्छे से ग्रिप करेंगे, आपके हेयर एक भी छूटने नहीं चाहिए, ग्रिपिंग आपकी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद में बराबर ही कट करना है, और हल्की सी नोचिंग कर देनी। नोचिंग करने के बाद, छोड़ने के बाद आप लुक इनका देख सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे स्टेप्स आ गए हैं पूरे बालों पर। तो बैक साइड से स्टेप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और हर एक कटिंग में मैं ये चीज़ आप सबको ज़रूर बताती हूँ कि लास्ट में कटिंग करने के बाद ये फिनिशिंग वाला प्रोसेस मैं ज़रूर करती हूँ। उसके लिए देखिए, मैं हल्का हल्का सा ही कट कर रही हूँ, और ऑलरेडी आप शेप देख सकते हैं कटिंग के बाद, ऑलरेडी बहुत अच्छा शेप आ जाता है। लेकिन आप हल्की हल्की से जब फिनिशिंग करते हैं ना, तो उससे स्टेप्स का लुक बहुत अच्छा आता है। जो लेयर होते हैं जब हम फ्रंट पर करते हैं ना, तो बहुत ही प्रॉपर दिखाई देते, बहुत एकदम फिनिशिंग के साथ में पता चलते हैं। तो इसलिए मैं हल्का सा नीचे से ऐसा फिनिशिंग ज़रूर देती हूँ, आप सब भी ज़रूर दिया करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, और अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूला करें। और सेटिंग की वीडियो मैंने अलग अलग तरीके से डाली हुई है, इस वजह से मैं इस वीडियो में सेटिंग स्किप करूँगी, क्योंकि हर एक वीडियो में सेटिंग दिखाना आई थिंक ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि
मैंने अलग अलग जैसे रॉड की, रोलर की, ब्रश की, सभी सेटिंग की वीडियो डाली हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप चेक करोगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये देखिए मैं बहुत ही आराम से करते हुए आपको दिखाऊंगी। और अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, साथ ही साथ ऑल पे भी क्लिक कर ले ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके और सारी वीडियो आप बिल्कुल टाइम पे देख सकें। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है और लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुई और जितना डैमेज हेयर था वो भी निकल चुका है और कटिंग बहुत अच्छा आया है। अभी मैं आपको इनका फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये है इनका फाइनल लुक कटिंग और सेटिंग होने के बाद में। और मैंने इनके बालों पे जो है रोल सेटिंग की है, तो रोल सेटिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैंने अपलोड की हुई पहले से ही। सेल्फ की भी है और मैंने दूसरों पे भी करके बताया, अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं ना तो उसके लिए भी है और दूसरे पे भी करके मैं बताई हूँ। इस वजह से मैंने जो है स्किप किया, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसमें रोल सेटिंग की हूँ मैं। और रिज़ल्ट आपके सामने है कितना अच्छा लग रहा है इनका हेयर, ये देखिए। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कटिंग करनी है और इतना इजी प्रोसेस है, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सबको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, लाइक करके जरूर जाइएगा, बाय बाय।